नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड अपडेट में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त दीपक गुप्ता स्वागत करता है इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अभी नया साल शुरू हुआ नहीं है 2021, पर उससे पहले मैंने सोचा कि आपको एक खुशखबरी सुना ही देता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि खुशखबरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरे भाई बहन रैपिडो कैप्टन, ओला बाइक या फिर उबर मोटो या किसी भी प्रकार के बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और खुशखबरी क्या है ये तो आपको वीडियो के लास्ट लास्ट तक पता चली जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक प्यार भरा नम्र निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे किसी भी अपकमिंग वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूं, तो गुड न्यूज़ सुनना है आपको तो उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि आप गुड न्यूज़ के थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, न्यूज़ बहुत अच्छी है। उससे पहले मैं आप सभी को ये एक जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके अब कमेंट्स फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, और उनका कहना यह है कि सर, पहले की अपेक्षा जो है अब अर्निंग डे बाय डे सुधरती जा रही है। जैसे कि एक हमारे मित्र हैं कोलकाता से, विश्वजीत जी, और उन्होंने भी अभी रिसेंटली, उनका कमेंट मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि उन्होंने 6 राइड की और लगभग 600-500 रुपए कमाए हैं 6-7 घंटे के अंतर। तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली राइड्स हैं, इनकम हैं जो अभी लोगों की होना शुरू हो गई है। इसका रीज़न यही है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, और समय के साथ हर कुछ बदलता जाता है। तो जैसे कि एक ख़राब फेज़ सभी के जीवन में था, सभी की लाइफ में आया था, वो अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। लोग अब यूज टू होते जा रहे हैं अपने काम धंधे के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2020 अब ख़त्म होने वाला, कुछ ही दिन रह गए हैं इस मनहूस साल के। जी हाँ दोस्तों, मनहूस से दिल पे मत लीजिएगा, किसी किसी के लिए बहुत अच्छा है और किसी किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा था। तो ऑन एन एवरेज यदि बात करें तो ये जो साल था सभी के लिए बहुत ख़राब था। बहुत सारे लोग हैं, आपके लिए ख़राब था या अच्छा था, कैसा था प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे लिए तो बहुत ख़राब था। तो दोस्तों, ये जो अब बुरा साल है, मतलब कुछ ही समय है, जैसे कि समय अच्छा हो या बुरा हो आखिर कट ही जाता है, तो दोस्तों ये बुरा समय भी अब जाने वाला है। और रैपिडो कैप्टन, ओला पार्टनर, उबर मोटो और जुगनू, जितने भी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म हैं, इनके साथ जो भी भाई बहन मेरे काम कर रहे हैं और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनके लिए स्पेशली ये गुड न्यूज़ है। क्योंकि अब पहली चीज़ तो ये कि अब उनकी इनकम जो है वो पहले से अच्छी होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के समय में, मतलब कि दिन में 100-200 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। दिन भर काम करने के बाद, दिन भर ऑनलाइन रहने के बाद भी 300 रुपए कमा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इनकम बढ़ने लग गई है, अब आपको राइड्स भी अच्छी मिल रही हैं, और आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम होने वाला है बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म। तो यदि जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म के प्रति सीरियस हैं और सीरियसली काम कर रहे हैं, तो उनको मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि आप जैसे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना था कि सर पुलिस पकड़ लेती है और जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं बाइक टैक्सी से रिलेटेड, तो दोस्तों पुलिस के पास वो अथॉरिटी है, उसके पास वो पावर है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल व्हीकल का, मतलब पर्सनल बाइक का यूज़ कमर्शियली नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि यदि हम अपनी जो बाइक है उसका टैक्सी परमिट ले लेते हैं तो फिर हम उसको कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बाइक को रेंट पे देना, या फिर बाइक को टैक्सी की तरह यूज़ करना, या फिर बाइक पे एक पैसेंजर को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ना और उसके एवज में कुछ चार्जेस चार्ज करना। टैक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 5 से 6 हज़ार में आपका जो है वो बाइक टैक्सी परमिट बन जाता है, उसके बाद आप बेझिझक काम कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका, कि यदि हम टैक्सी परमिट ले लेते हैं तो हम लगभग कितनी कंपनियों के साथ काम करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें यही पता होता है कि हो सकता है कि टैक्सी परमिट सिर्फ किसी एक ही कंपनी के लिए हो, तो नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और जिनका ये कमेंट था, यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा
कि जब भी आप टैक्सी परमिट लेते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं होता है, बल्कि वो आपकी जो बाइक है वो पर्सनल व्हीकल से होकर अब वो टैक्सी परमिट में आ जाएगी, मतलब कि आप उसका कमर्शियली यूज़ कर सकते हो। फिर आप चाहे रैपिडो कैप्टन के साथ काम करें, ओला पार्टनर के साथ काम करें, ओबर मोटो के साथ काम करें, या दुनिया की तमाम जितनी भी, सॉरी दुनिया तो नहीं, मतलब भारत की जितनी भी कंपनियां हैं जो बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, आप उन सभी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और उन सभी के साथ काम कर सकते हैं। इससे फ़ायदा सबसे बड़ा यही होगा कि जब आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहेंगे इसको एज अ कैरियर, तो आपको किसी भी प्रकार से पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे और आपको किसी भी प्रकार से कोई भी फाइन नहीं देना पड़ेगा। इवन यदि आप राइड करने के दौरान आपके साथ आपके पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है, उस दौरान भी यदि आपको पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो सिंपली पहली चीज़ तो आपका टैक्सी परमिट है वो ज़्यादा पूछेंगे नहीं, सिर्फ परमिट की यदि इशू डेट देखेंगे कि वो एक्सपायर हो गया कि नहीं, बस इतना करने के बाद वो आपको जाने देंगे, एक रुपए भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे। तो अब दोस्तों अब हम बात करते हैं खुशखबरी की, क्योंकि वीडियो इतना निकल गया और आप सभी लोगों को इंतज़ार होगा कि खुशखबरी क्या है। तो दोस्तों खुशखबरी ये है जिसको सुनकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे और मेरी तरफ से आपके लिए नए साल का तोहफा है। हालांकि नए साल आने में 2 या 3 दिन का समय और है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आप कहीं सेलिब्रेट करने के चक्कर में बिजी ना हो जाएं, तो ये खुशखबरी आपको पहले ही दे देता हूं। तो दोस्तों गुप्त सूत्रों से पता चला है, मतलब कि जिन्हें भी मैं कंपनी लेवल पर जानता हूँ उनसे मुझे पता चला है कि अब कंपनी नए साल में बहुत जल्द इंसेंटिव प्लान भी लागू करने वाली है। मतलब कि जैसे पहले की तरह आपको पता होगा जिन्होंने रैपिडो के साथ काम किया है, ओला के साथ काम किया है, तो एक टारगेटेड राइड के ऊपर या टारगेटेड डिस्टेंस के ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता था, तो वो चीज़ की शुरुआत हो जाएगी जनवरी या फिर स्टार्टिंग वीक में या फिर उसके लास्ट वीक में, तो अब इनकम के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत ही धैर्य रखा, बहुत ही इंतज़ार किया है इस इनकम के लिए, अब वो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती हैं। आप सभी की अच्छी कमाई हो इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है कि नए साल पर मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, यदि करता हूँ तो तब भी मैं आपको यही शुभकामनाओं के साथ आपको नए साल की बधाई देता हूँ कि नया साल सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, ढेर सारी संपन्नता लाए, तरक्की लाए, उन्नति लाए, और साथ ही साथ यदि आप हमें भी प्यार करते हैं, आपको हमारे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं, या फिर मैं किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ यदि आपकी एक शिकायत रहती है कि मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो उसका रीज़न भी यही है कि आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का और साथ ही साथ इंस्टाग्राम अकाउंट का भी आपको लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप आइए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं 101% आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ और इसी शुभकामना के साथ मैं अलविदा लेता हूं इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और हमें इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो धन्यवाद।